हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर अपना पेज कैसे बनाए जी। क्योंकि अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो फेसबुक पर आप जो अभी प्रोफाइल यूज करते हैं उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। फेसबुक से पैसा कमाने के लिए आपको फेसबुक पर अपना पेज बनाना पड़ता है, और पेज बनाने के साथ साथ उसमें आपको कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी पड़ती है, और उस पर आप वीडियोस अपलोड करके फेसबुक पेज से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरा फेसबुक पर एक पेज है और जिस पर मैं फेसबुक से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये लास्ट 28 डेज, ओनली 28 डेज की मेरी अर्निंग है खुद की। लास्ट 28 डेज यानी 28 दिन में मैंने $487 के करीब अर्न किए हैं। अगर आप इसको आज के टाइम पे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 40,000 रुपए होते हैं। लगभग 40,000 रुपए ओनली 28 दिन में मैंने फेसबुक पेज से अर्न किए हैं। सो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप भी ऐसे मेरी तरह फेसबुक से अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप लाख हजारों में डॉलर अर्न कर सकते हैं लास्ट 28 डेज में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि फेसबुक पर आप अपना पेज कैसे बनाएंगे और पेज में जरूरी सेटिंग्स कैसे करेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो फेसबुक पर अपना पेज कैसे बनाएंगे ये सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। और मेरी एक बात ध्यान रखना, और अगर आप अभी फेसबुक पर नए नए हैं तो आप मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, मैं आपको जैसे बताऊं सेम टू सेम आपको वैसे ही पेज बनाना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। क्योंकि फेसबुक पर आप नए नए हैं, अगर आप कुछ भी मिस कर देंगे तो आप अच्छी तरीके से अपना पेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको सिंपल वे एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना फेसबुक पेज आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो चुका, जो कि एक प्रोफाइल है। जैसा कि आप फेसबुक प्रोफाइल यूज करते हैं, सेम यही मेरा भी वही फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, और आपको फेसबुक पेज बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। ठीक है, आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 3 डॉट का आइकन मिल जाता है, ये वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल भी आपको क्या करना है, आपको इस 3 डॉट के आइकन पर एक बार क्लिक करना है। तो मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा पेजेस का, जैसा कि आप देख सकते हैं पेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अपना फेसबुक पर पेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल भी आपको इस पर एक बार क्लिक करना है पेजेस पर। तो सिंपल भी मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना पेज पहले से बना हुआ होगा तो वो पेज आपको यहाँ पर शो होगा, अगर कोई पहले से बना हुआ होगा तो। ठीक है, पर आपका यहाँ पर कोई पेज मेरा नहीं बना है अभी तक। ठीक है, मुझे नया पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट का। ठीक है, तो सिंपल भी अब आपको क्या करना है, आप इस क्रिएट के आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो फेसबुक पर पेज बनाने की शुरुआत यहीं से होती है, और इसी कैसे आप पैसे कमाने की स्टार्टिंग, यानी पहला कदम है आपका फेसबुक पर पैसा कमाने के लिए, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल भी आपको इस पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो देखिए, अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, सबसे मेन पॉइंट आता है यही को ध्यान से समझना। अगर आपने यहीं पर गलतियां कर दी तो आप फेसबुक से 1 रुपया नहीं कमा सकते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर मेरी बात को गौर से समझना, ये मेन पॉइंट है वो यहीं पर है। ठीक है, मेन चीज होता है फेसबुक पेज, आप अपने फेसबुक पेज का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक पेज। ठीक है, तो आप अपने पेज का नाम क्या रखेंगे, मेन पॉइंट यही होता है। नाम से क्या है, नाम आपको ऐसा रखना है कि यूनिक सा नाम रखना है, जिससे आपके पेज की पहचान की जा सके। पेज ग्रो होता है वो नाम के कारण ही ग्रो होता है। चीज और बता देता हूँ आपको, अपना पेज का नाम ऐसा रखना है, उस पर आप कैसी वीडियोस डालना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका पेज का नाम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप गेमिंग की वीडियोस डालना चाहते हैं तो कुछ ऐसा नाम रखो जिससे गेमिंग अटैच हो, समझ रहे हो। अगर आप फेसबुक पर जैसे कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो तो कोई ऐसा नाम रखो जो कॉमेडी से अटैच हो, जिससे क्या है कि अगर कोई कॉमेडी वीडियो सर्च करेगा फिर भी आपका पेज वहां पर शो करेगा, तो ऐसे क्या है कि आपके पेज ग्रो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पेज का नाम यहाँ पर शो
समझकर यूनिक सा नाम रखना है और एकदम अट्रैक्टिव नाम हो, समझो, जिससे कि अगर किसी के सर्च में आए तो आदमी इसको नाम देख के समझ जाए कि इस पर कैसी वीडियोस बनाई गई हैं पेज पर, ठीक है। तो नाम क्या डालेंगे, मैं यहाँ पर अपने पेज का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि अभी मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ, मेरा ये चैनल है जिस पर आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी चैनल का यहाँ पर मैं अपना नेम डाल देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेम में डाल दिया टेक्निकल फिरोजाबादी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मुझे इसी नाम से पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब क्रिएट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, ठीक है। तो सिंपल भी आप नेम डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना है। मेन चीज आती है यहाँ पर कैटेगरी, यानी आप अपने फेसबुक पेज की कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं। फेसबुक कैटेगरी बहुत मैटर करता है फेसबुक पेज के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मेरे पेज का नेम आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं नेम आ चुका है, ठीक है, टेक्निकल फिरोजाबादी। अब आपने पेज की कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर तीन कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। मैं तो अपने, जैसे मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल क्रिएटर, यानी इसे डिजिटल क्रिएटर भी आप कर सकते हो। मैं डिजिटल क्रिएटर कर दिया, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया, एक तो मैंने ये कर दिया डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, समझ रहे हैं, मैंने ये कर दिया एजुकेशनल वगैरह। मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। आपको अपने पेज के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का, तो सिंपल भी आप क्रिएट पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक, आपको कैटेगरी यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से चुननी है, अपने हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। आपको यहाँ पर अपने, आपका पेज तो क्रिएट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर कुछ फिनिशिंग सेटिंग्स, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी अपने पेज के लिए, ठीक है। तो वो सेटिंग्स कैसे करें, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। सबसे पहला पॉइंट आपको मिल जाता है बायो का। अब बायो क्या होता है, मेरी बात को गौर से समझना। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, YouTube यूज करते हो, YouTube पर आपका चैनल है तो YouTube पर आपके चैनल का एक डिस्क्रिप्शन होगा। आप अपने चैनल पर क्या देना चाहते हो उसका आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसी को आप बायो बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने चैनल से रिलेटेड बायो लिखना है कि आप अपने Facebook पेज पर क्या देना चाहते हो, वही आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना बायो लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का मैंने बायो लिख दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस पेज पर आपको बताऊंगा कि फेसबुक से पैसे कमाने से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और सारा कुछ बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पर अपना, मैंने वो अपना लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना वो बायो लिख दिया है अपने चैनल का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। अब आपके सामने एक मेन पॉइंट आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट का। अगर आपके पास कोई वेबसाइट बनी हुई है जिसको आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं अपने पेज पर, तो आप उस वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक कांटेक्ट का ऑप्शन है, जैसे कि आपके फेसबुक पेज के जरिए आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आप उससे कांटेक्ट कैसे करना चाहते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू कोई किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करवाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पर आपको फोन नंबर मिल जाता है, अगर आप फोन नंबर के थ्रू किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फोन नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतना आपको कर देना अपने हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन का, ठीक है। अब लोकेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको अपना लोकेशन डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट में ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, पहले नंबर पे आपको ये लोकेशन, तो सिंपल में आप यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर आप अपना सिटी डाल देंगे। सिटी डालने के बाद थर्ड में आप अपना पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। इतना आपको कर देना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हावर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हावर्स, इसका मतलब होता है आप अपने पेज पर एक्टिवेट कब रहोगे अगर आप ये लोगों को दर्शाना चाहते हो। जैसे कि ऑलवेज ओपन, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ओपन। अगर आप अपने पेज को 24 घंटे ओपन दिखाना चाहते हैं तो आप ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर देंगे। नो हावर्स अवेलेबल, अगर आप इसको करना चाहते हो इसको कर देंगे। यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पेज पर कब अवेलेबल रहते हो, ठीक है। वो आपको इतना अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी है जिसके जरिए से कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया कांटेक्ट के लिए। उसके बाद मैंने लोकेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना लोकेशन डाल दिया, मेरा सिटी है फिरोजाबाद, और मैंने उसका पिन कोड डाल दिया और यहाँ पर मैंने फिरोजाबाद डाल दिया, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ऑलवेज ओपन, इतना आपको कर देना है। उसके बाद आप सिंपल भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, आपको यहाँ पर एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आप पेज क्रिएट नहीं
कर पाओगे। अब देखना आपका पेज क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज योर पेज, यानी आप यहाँ पर अपने पेज से को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कोई फोटो से या वॉल पेपर, यानी अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर अपना फोटोस लगाना है, तो आप इस कैमरा वाला आइकन आपको यहाँ पे मिल जाता है, सिंपल आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आप जो भी फोटो लगाना चाहते हो वो आप उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप सिंपल में आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट का, तो सिंपल में आप इस सिलेक्ट पर एक बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बस आपको इतना कर देना है। ठीक है, तो आपने जो फोटो वहां से सिलेक्ट किया है वो फोटो आपके यहाँ पर पेज पर लग जाएगा, प्रोफाइल का बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने फोटो लगाया था वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना, अब आप बैनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा आइकन का। ठीक है, तो सिंपल भी आप इस पर क्लिक करके अपना बैनर भी लगा सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास बैनर रखा हो उस बैनर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपनी गैलरी में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने बैनर पर मैं ये लगा देता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना बैनर भी सिलेक्ट कर दिया जो कि प्रोफाइल पर अपडेट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये बटल ग्राउंड का मोबाइल इंडिया है, इसका मैंने जो लोगो लगाना है तो मैंने वो यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। देखो, एक्शन बटन के जरिए से आप अपने प्रोफाइल पर इसको दर्शाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एडिट एक्शन बटन पर क्लिक करना है, तो मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको इतना कर देना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ट्राई इट, तो सिंपल भी आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप करना चाहें, जैसे आप इसको करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट यू, आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, मैसेज वगैरह, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर मैसेज ही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पर नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, इतना तो आपके यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन शो होगा लोगों को। ठीक है, ये आसानी से, तो आप अब सेव पर क्लिक कर देंगे ओनली, बस आपको इतना कर देना, सेव पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक्शन बटन भी हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपका पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है, आपको यहाँ पर गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे आप अपने फेसबुक पेज से अगर व्हाट्सअप को अटैच करना चाहते हैं जिसे कोई आपको SMS कर सके तो वो आप इसको ऐड कर सकते हैं, मुझे ये नहीं करना है तो मैं सिंपल में यहां से स्किप कर दूंगा, ये मैं बाद में करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो मेरी बात को यहां पर गौर से समझना, आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है, अब आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। ये क्या होता है पता है, आपके फेसबुक पेज पर अभी 0 फॉलोवर्स है, एक भी फॉलोवर्स नहीं है, तो आप ये इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन देख रहा है, सिंपल में आप इस पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं कि भाई मैंने नया पेज बनाया है, मुझे इस पेज पर फॉलो कर लो। ठीक है, आप अगर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट कर देंगे एक या दो, जितने भी आप रखना चाहते हैं, जिनको ये भेजना चाहते हैं कि मुझे फॉलो कर लें, उतने आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2-3 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप इनवाइट पर क्लिक कर देंगे, सेंड इनवाइट, तो उन लोगों को इनवाइटेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जैसा है आपको वैसा ही रहने देना, उसके बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे सिंपल वे, बस आपको इतना कर देना है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपका फेसबुक पेज अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका मेरा पेज है फेसबुक पेज जो कि आसानी से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। देखो, आपका फेसबुक पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इस प्रकार से आपको अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आने लगा पेज डिजिटल क्रिएटर, ये मेरा पेज बन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है पेज डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल का फोटो आ चुका है। ठीक है, जो मेरा प्रोफाइल फोटो लगा है वो मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ये पेज लिख के आने लगा है, और यहाँ पर आपके पेज पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, और ये एड टू स्टोरी आ चुका है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से बैक कर लिया, तो जैसे कि फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल ओपन होती है, सेम उसी प्रकार से आपका पेज भी ओपन होता है। यहाँ पर आप अपनी क्रिएट स्टोरी भी, यहाँ पर आप अपनी क्रिएट स्टोरी, यहाँ पर आप अपनी स्टोरी भी लगा सकते हैं, सेम उसी तरीके से आप अपने पेज को यूज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना पेज क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप अपना पेज ओपन करेंगे तो आपके पेज पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सी डैशबोर्ड का, ये जो कि आप पेज पर ही
आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, आप इस पर क्लिक करके अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल भी आप इस पर क्लिक करेंगे सी डैशबोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। सो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर आप ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट की रीच कितनी गई है, ठीक है, इंप्रेशंस कितनी है, एंगेजमेंट कितना है, फॉलोवर्स कितने मिले, वो सारा कुछ भी हो रहा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप अपने पेज में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, आपने कुछ गलती से गलत डाल दिया है, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले एडिट का, जैसा कि आप देख सकते हैं एडिट का। तो सिंपल आप इस एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करके आप जो भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप अपना प्रोफाइल फोटो, पिक्चर, बैनर, या अपना बायो, या फिर अपनी डिटेल्स या ईमेल आईडी, जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप सारी डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, जो अपने हिसाब से आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पेज लोगों को किस प्रकार से दिखाई देगा, या आप ये देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है थ्री डॉट का। तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू अस का, जैसा कि आप देख सकते हैं व्यू अस। तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दूसरे लोगों को मेरा फेसबुक पेज इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जीरो लाइक है, जीरो फॉलोवर है। जितने मुझे लाइक्स मिलेंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जितने फॉलोवर्स होंगे वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी मेरे पास एक भी फॉलोवर्स नहीं है क्योंकि मैंने नया नया पेज क्रिएट किया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है और आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करके। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से पेज बना लेना है। और अगर आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियोस अपलोड करना नहीं जानती हैं तो इसके ऊपर ही मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया कि फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कैसे करें अच्छे तरीके से, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना चाहती है तो मेरे वीडियोस को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दें। और दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।